Namaste everybody, I'm back again with another video and another story for all of you. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल एंड हार्टी होंगे, आप लोग सब हेल्दी होंगे, आपके परिवार में सब लोग कुशल मंगल होंगे. That's what I pray and that's what I believe. Well, lockdown खत्म होगा कि नहीं होगा, we don't know. Just a few more days to go for this lockdown to be over. ये आगे continue करेगा, नहीं करेगा, देखिए ये हमारी समझ के beyond है. आप और मैं जहाँ पर हैं हम तो अपने लेवल पे ही सोच सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो देश की अथॉरिटीज़ हैं, जो देश को चला रहे हैं, जो स्टेट्स को चला रहे हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा उनके पास यू नो एबिलिटी है टू टेक बेटर डिसीजंस. तो जो वो डिसीजन लेंगे हम सबको मान्य होना चाहिए और होगा भी, एंड ये विश्वास करते हुए कि वॉट एवर डिसीजंस दे टेक वो हमारे भले के लिए होगा, देश के हित में होगा. एंड आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ लीवे, दैट्स अ काइंड ऑफ स्कोप एंड स्पेस वी शुड गिव टू दीज अथॉरिटीज. सब लोग अपना अच्छा काम कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, फ्रॉम ऑल दी गवर्नमेंट एजेंसीज टू ऑल दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, ये लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं. एंड ये विश्वास ही हम करें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम अपना सिर्फ एक ही काम करेंगे कि हम उनके अथॉरिटीज़ के कहने पर चलेंगे. दैट्स वॉट आई फील इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू. वेल, आज की स्टोरी है, इट्स अ ब्यूटिफुल लवली स्टोरी, एंड आई थिंक थोड़ा सा ये आपको आज और एक बार और हिलाएगी इन अनदर वे, एंड इट विल मेक यू थिंक अबाउट द वे यू आर लिविंग योर लाइफ. द स्टोरी इज ऑफ अ विलेज, और ये बड़ा फेमस गांव है. हर जगह या हर गांव, हर शहर किसी न किसी कारण से फेमस होता है. कोई वहाँ की चीज़ बनती है उसके लिए फेमस है, वहाँ पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस है तो शायद उसके लिए फेमस है, वहाँ पर कुछ नेचुरल चीज़ें हैं तो शायद उसके लिए फेमस है. ये गांव जो है ये फेमस है फॉर समथिंग वेरी यूनिक, एंड देन यूनिकनेस इज कि वहाँ होती हैं डॉग फाइट्स. तो वहाँ के जो लोग हैं गांव के, सब अपने अपने घरों में, इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर देम कि सब लोग बड़े अच्छे अच्छे फिरोशियस एकदम अच्छे अच्छे ब्रीड्स के डॉग पालते हैं, उनको तैयार करते हैं फाइट्स के लिए, उनको फीड करते हैं, उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, और वो फिर जब डॉग्स बड़े हो जाते हैं तो उनको डॉग फाइट्स में डालते हैं. एंड देन पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, आसपास के सब गांव से लोग आते हैं और वो सब उस पर दांव लगाते हैं, बेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ वो पूरा एक प्रोफेशन होता है, एक तरह से बिजनेस, एक इकोसिस्टम बन गया उन लोगों का. तो उसी गांव में एक मिडिल एज्ड इंसान था जो बड़ा फेमस था वहाँ, क्योंकि उसके डॉग्स अक्सर या ज़्यादातर उसके डॉग्स ही वो फाइनल जीतते थे. तो उसके पास दो डॉग थे, एक हल्का सा ब्राउन कलर का था, एक वाइट कलर का था, एंड काफी हट्टा कट्टे दोनों डॉग्स थे, फिरोशियस थे. तो वो जब भी आते थे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने को, तो सबको ऐसा लगता था कि यार इसके डॉग्स जो हैं वो सब पे भारी पड़ेंगे, और भारी पड़ते भी थे. एंड इवेंचुअली वो दोनों डॉग्स जो हैं फाइनल में पहुंचते थे, एंड फाइनल वुड हैपन आफ्टर दो या तीन दिन, चार दिन बाद वो फाइनल होता था, और फाइनल में फिर उसके दोनों डॉग्स आते थे सामने, एंड देन पीपल वुड बेट कि कौन सा जीतेगा. तो ऐसा करके ये चला कुछ साल, और कुछ सालों बाद जो है फिर वो डॉग्स बूढ़े हो गए, थोड़े जख्मी हो गए, वुंडेड हो गए, तो वो रिटायर, उनको फाइट से रिटायर कर दिया गया. तो ये इंसान जिसके वो डॉग्स थे वो उसने उनको पार्टिसिपेट करने से रोक दिया, और ऐसा करके वो एक अपने घर में अभी रहने लगा. सो ही वुड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी मोर डॉग फाइट्स. उसी इंसान के बगल में एक नेबर थी जो, शी वॉज एन ओल्ड लेडी. तो वो ओल्ड लेडी आई इसके पास और कहने की, मैंने तुम्हारी सारी फाइट्स देखी पिछले इतने सालों से, तुम्हारे डॉग्स को मैं देखा, इनफैक्ट जब वो छोटे पपीज थे तब से मैं उनको देख रही हूँ, और तुमने कैसे उनको ट्रेन किया, पाला, और तुम उनको फाइट्स पे लेके गए, और मैंने सारे फाइनल्स देखे तुम्हारे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि अक्सर तुम्हारे ही दोनों डॉग्स जो है ना फाइनल पे पहुँचते थे, और फाइनल पे पहुँचने के बाद जब तुम्हारे एक ब्राउन डॉग और ये वाइट जो डॉग था, ये दोनों फाइट करते थे, तुम हमेशा ही सही डॉग पे बेट लगाते थे कि कौन सा डॉग जीतेगा. तुम, मैं देखती थी चुपचाप जाके तुम एक बेट लगाते थे, और जिस पे बेट लगाते थे वही डॉग जीतता था. ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो ये इंसान मुस्कुराता है और बोलता है, सीधी सी बात है आंटी, ये मुझे मालूम इसलिए रहता था बिकॉज मैं पिछले एक हफ्ते से जिस डॉग को मैं खाना खिलाता था मुझे मालूम था वही जीतेगा, और जिसको मैं भूखा रखता था मुझे मालूम था वो हारेगा. सिंपल सी बात थी. तो फाइट से एक हफ्ता पहले से मैं एक को भूखा रखता था, एक को मैं खाना खिलाता था. ऐसा करके उसने आंसर दिया. वो लेडी भी एकदम एस्टोनिश्ड होकर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करते थे तुम, और वो चली जाती. वेल, दिस इज द स्टोरी, एंड आई जस्ट वांट टू कनेक्ट दिस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू
to make you understand कि शायद हमारे मन में भी ऐसे दो डॉग्स होते हैं, हमारे मन में भी ऐसे दो इंसान होते हैं. एक होता है जो जिसको हमने बड़ा फीड किया होता है, और एक होता है जिसको हमने फीड नहीं किया होता, जिसको हमने खाना नहीं खिलाया होता है. तो ऑफकोर्स जो जिसको खाना नहीं खिलाया वो कमजोर होगा, वो आवाज हमारे मन में, वो इंसान हमारे मन में दुबला पतला, जिसकी कोई दम नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, वैसा होगा. और जिसको हमने बड़ा खाना दिया होगा, जिसको हमने बड़ा देखभाल करी होगी, जिसको हमने अच्छा अच्छा प्रोटीन खिलाया होगा, वो बस स्ट्रांग होगा, वो पावरफुल होगा, और उसकी आवाज में दम होगा. तो ऐसा हमारे मन में भी दो इंसान ऐसे होते हैं. तो हमारे मन में एक डेविल होगा और हमारे मन में एक कैस्पर होगा, हमारे मन में एक अर्जुन होगा, हमारे मन में एक दुर्योधन होगा, हमारे मन में एक राम होगा, हमारे मन में एक रावण होगा. तो हमारे मन में भी एक कृष्ण होगा, हमारे मन में भी एक कंस होगा. तो अब ये डिपेंड करता है कि हम किसको भोजन दे रहे हैं, डिपेंड करता है कि हम किसको फीड कर रहे हैं, डिपेंड करता होगा कि हम किसको हम ज्यादा समय दे रहे हैं. तो जिस चीज को आपने समय दिया फिर वो चीज बलवान हो जाएगी. अगर आपने अपने पॉजिटिव साइड को, अपने कृष्ण को, अपने राम को, यू नो, अपने अपने कैस्पर को अगर आपने फीड किया, आपने भोजन दिया, आपने ध्यान दिया, तो फिर ये हमारे अंदर स्ट्रांग हो जाएगी. और अगर आपने अपने अंदर के दुर्योधन को समय दिया तो फिर वो दुर्योधन स्ट्रांग हो जाएगा. और फिर वो स्ट्रांग होंगे या जो भी स्ट्रांग होगा उस पर डिपेंड करेगा आपकी आवाज बाहर कैसे निकलेगी, आपका एक्शन बाहर कैसे होगा. तो कोई बड़ी सिचुएशन आएगी, कोई बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट आएगा, तो आपके मुंह से क्या निकलता है, ये मेरे, मैं इसको कर पाऊंगा, कैन आई डू, आई कैन डू इट, या फिर आपके अंदर से आवाज निकलेगी यार तुमसे ना हो पाएगा. तो दुनिया बोले ना बोले, अंदर से हम खुद ही बोलते हैं खुद को, भाई तुमसे ना हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक लेट्स से कोई सिचुएशन आ गई कि आप लॉकडाउन खत्म हुआ और आपको किसी ने बोला चलो भी आपको बुलाते हैं हमारे फोरम में और आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आधा घंटा बात करनी है. तो जैसे ही आपके सामने ये सिचुएशन आई कि आपको ऐसा 500,000 लोगों के सामने बात करनी है, तो आपके अंदर से पहली आवाज क्या आती है, अरे यार आई कैन डू इट, या फिर अंदर से आवाज आती है भाई तुमसे ना हो पाएगा. तो इसका मतलब अगर आई आवाज की यार मैं ये कर सकता हूं, इसका मतलब हमने जाने में या अनजाने में हमने अपने राम को फीड किया, हमने अपने अर्जुन को फीड किया, हमने अपने कृष्ण को फीड किया. और अगर हमारे अंदर से आवाज आई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, ये कैसे बात कर रहे हो, तो इसका मतलब जाने अनजाने में हमने अपने नेगेटिव को फीड किया. तो बड़ा ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान रखना है हम क्या सुनते हैं, बड़ा ध्यान रखना है कि हम किन बातों को अंदर ले जा रहे हैं अपने इस मन के अंदर, और वो विचार क्या बन रहे हैं हमारे अंदर, वो विचार क्या हमारे पॉजिटिव साइड को फीड कर रहे हैं या वो विचार हमारे नेगेटिव साइड को फीड कर रहे हैं. तो जिसको आप फीड कर रहे हो फिर वो स्ट्रांग 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 होते जाएगा, और जिसको फीड नहीं कर रहे हो वो कमजोर 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 होता जाएगा. तो ये मेरा आज की स्टोरी के थ्रू आपको कहना था. तो बड़ा अलर्ट रहिए, समय जो है ये डिमांड कर रहा है कि हमारा बेस्ट निकले बाहर, समय डिमांड कर रहा है कि हम अपने पॉजिटिव साइड को मैक्सिमम रूप से बाहर लेके आए, समय डिमांड कर रहा है कि हम अपने पॉजिटिव साइड को बरकरार रखें, स्ट्रांग रखें, एकदम तैयार रखें, ये समय डिमांड कर रहा है. तो ये नेगेटिव्स जो आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आप दोस्तों से बात कर रहे हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, कैन यू स्टॉप फीडिंग योर नेगेटिव्स. और पॉजिटिव होने का सिंपल तरीका है कि आप नेगेटिव्स को वीक कर दो. दुर्योधन को हराने का एक ही तरीका है, आपने दुर्योधन से लड़ना नहीं है, आपने वो कंस से लड़ना नहीं है, आपने दुर्योधन को खाना देना बंद करना है. वो अपना आप दुर्बल हो जाए, वो अपना आप कमजोर हो जाए, वो अपना आप ऐसा एकदम बिल्कुल ही अपने ही कमजोरी में वो मर जाए, आपने वो देना है. तो आपने उसको ध्यान ही नहीं देना है, आपने सिर्फ अपने अर्जुन को ध्यान देना है, आपने अपने कृष्ण को ध्यान देना है. तो यही कॉन्सेप्ट होता है जब मैं जब बात करता हूं अपने प्रोग्राम्स में कि आदतें अच्छी होनी चाहिए. तो आदतें अच्छी होने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों पे ध्यान ही नहीं देना है. तो ये 21 दिन एक्चुअली वाज अ ग्रेट टाइम टू बिल्ड सम ऑसम हैबिट्स. और ऑसम हैबिट्स को बिल्ड करने का मतलब है कि आपने बुरी आदतों को खाना नहीं दिया, आपने अपनी बुरी आदतों को टाइम नहीं दिया, आपने अपनी बुरी आदतों को कमजोर कर दिया, बिल्कुल एकदम ऐसा उनको बोलते ना निर्जीव कर दिया, उनके अंदर जीवन ही नहीं रहा, उनके अंदर ताकत ही नहीं रही, एंड दे बिकेम लाइफलेस. And as a result, अपने आप वो bad habits, अपने आप वो बुरी आदतें ऐसे ड्रॉप हो. So बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि you know, मेरे घर में ये you know, my husband is there, and उनकी स्मोकिंग छूट गई, क्योंकि अभी स्मोक कर ही नहीं पाते, घर में रहते हैं 24 घंटे.
तो बच्चे भी हैं, माँ बाप भी हैं, उनके सामने नहीं कर पाते, तो उनकी स्मोकिंग बिल्कुल छूट गई। तो क्या हो गया, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ने का सोचा नहीं, वो उन्होंने अपने बाकी पॉजिटिव्स को ध्यान देते रहे, उसको छोड़ दिया, उसको एकदम मरने के हाल पे छोड़ दिया। तो ये मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, मैं ये पान खाना छोड़ दूंगा, ये बोलने से क्या हो रहा है, आप उसको वापस फीड कर रहे हो। तो फीड नहीं करना है, आपने जो करना है उस पर फोकस करना है। तो सुबह उठने लग गए आप, तो ऑटोमेटिकली देर से उठने की जो बुरी आदत है वो मर जाएगी ना, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो देर से उठने की आदत को। तो कोई भी अच्छी आदत लानी है तो वो अच्छी आदत लाने के लिए बुरी आदत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अच्छी आदत को और बिल्ड और बिल्ड और बिल्ड करते जाना है, तो बुरी आदत खुद ब खुद मर जाएगी। अगर आपने अपने आसपास के लोगों के अंदर अच्छी चीज देखने की एक अच्छी आदत डेवलप कर ली, आपने अपने अंदर किसी के एक आदत डेवलप कर ली कि आप किसी के अंदर बुरी चीज नहीं देखेंगे, आपने बुरी चीज को जो देखने का आपका एक एंगल था आपने उसको फीड नहीं किया, आप देख ही नहीं रहे हो, आपने उसको लाइफलेस कर दिया, वो तो खुद ब खुद मर जाएगी ना। तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट लेट्स फीड द डॉग विच वी वॉन्ट टू विन। सो डू यू वॉन्ट द डॉग ऑफ द पॉजिटिव साइड टू विन और डू यू वॉन्ट द डॉग ऑफ द नेगेटिव साइड टू विन, ये चॉइस हमारे हाथ में है। मुझे लगता है कि हम सब इतने समझदार तो हैं कि हमें मालूम है कौन सा डॉग जीतना चाहिए, तो उसी को खाना देते हैं जिसको जीतना चाहिए। एंड आई एम श्योर यू विल क्रिएट अ लाइफ जो पॉजिटिव होगी, जो पावरफुल होगी, जो हमारे कंट्रोल में होगी। सो हैप्पी फीडिंग द राइट डॉग ऑल ऑफ यू, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट डे आपको। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एक्साइटेड, स्टे अलाइव एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। नमस्ते।